वेलकम टू फैक्ट अफेयर्स में मनी चौरसिया। इंडियन नेवी द्वारा एंटी सबमरीन वारफेयर शैडो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। इसकी जो खूबी है वो सबमरीन को ढूंढना और उसको नष्ट करना है। इसको बनाने का जो श्रेय है वो GRSE को जाता है, जिसका पूरा नाम है गार्डन रिसर्च शिपयार्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड। इसको चेन्नई के लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड कट्टू पुली से लॉन्च किया गया है। इसको इंडियन नेवी द्वारा 2019 को एक ऑर्डर दिया गया था, 8 अर्नला क्राफ्ट। तो जो ऑर्डर था जिसमें से जो पहली डिलीवरी थी वो 20 दिसंबर 2022 को थी, जिसका नाम था अर्नला। उसके बाद जो सेकंड सबमरीन है वो 23 मार्च 2023 को मिली थी, जिसका नाम था एंड्रोथ। अब ये जो अंजदीप है, अंजदीप, इस जहाज़ का जो नाम है वो एक द्वीप के ऊपर नाम रखा गया है जिसका नाम है अंजदीप। ये जो द्वीप है वो करवाड़, जो कर्नाटक तट पर स्थित है, और जो इस शिप की लंबाई है वो 77 मीटर है। इसका हम भाई वजन की बात करते तो 900 टन है, और जो स्पीड है इसकी वो 25 नॉटिकल माइल है, यानी इतनी गति से चल सकता है, और लगभग ये 1800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकता है। अब ये जो जहाज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि इंडियन ओशन में आए दिन जो पाकिस्तान की सबमरीन है या चाइना की सबमरीन है वो आती रहती है और जासूसी करती रहती है। इसलिए इनको दूर रखने के लिए इंडिया ने ये जो ऑर्डर हो दिया था। इस शिप द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इसमें गन भी है और इसमें रडार भी है, सेंसर्स भी हैं, जिसके द्वारा जो ये सबमरीन है उसको डिटेक्ट कर सकती है। इसलिए इसका जो नाम है एंटी सबमरीन वारफेयर है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन जो इंडियन ओशन है उसमें जो दूसरे देशों की सबमरीन है वो आती रहती हैं और इंडियन नेवी की जो जासूसी है वो करने की कोशिश करती है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान अव्वल नंबर पे आते हैं। इसलिए इंडियन नेवी ने इन शिपों को लॉन्च किया है ताकि जो इस तरह की निगरानी है उससे बचा सके और जो सबमरीन है उनको दूर रखा जा सके। ये जो शिप है कोस्टल एरिया उस पर भी निगरानी करने की काम करेगी और डीप सी में भी करेगी। इंडियन ओशन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और यहाँ से बहुत सारी जो शिप हैं वो ट्रैवल करती हैं, पास विंग पास होती हैं। इसलिए जो चाइना है वो इस रूट पे कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं जो मदद पाकिस्तान भी कर रहा है। इसलिए जो चाइना है लगातार अपनी जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। इसलिए वो दूसरे देशों के जो पोर्ट्स है उसका यूज़ करता है, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा हो गया और बांग्लादेश में भी ऐसे उसके पोर्ट हैं जो लीज पे ले रखे हैं, जिसकी मदद से वो इंडियन ओशन में आता रहता है और इंडिया की जासूसी करने की कोशिश करता है। ऐसे कई शिप पकड़े भी गए हैं जो इंडियन नेवी की जासूस करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो शिप है लगभग 90% इंडिजीनस है, यानी इंडिया के द्वारा बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर मिशन है उसका ही पार्ट है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इंडिया इस तरह की जो शिप है वो खुद बना सकता है, यानी मेक इन इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और ये बहुत अच्छा है कि हम इस तरह की जो शिप है वो डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है तो आगे हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे।